गाइस, आज मैं आपके साथ कैंस 2019 दीपिका पादुकोण इंस्पायर मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। इस मेकअप ट्यूटोरियल को शेयर करने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। देख सकते हैं दीपिका ने कितना सुंदर सा बड़ा इयररिंग पहना हुआ है, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने दो इयररिंग को जोड़ के बड़ा सा इयररिंग बनाने की कोशिश की है। तो प्लीज यार, मेरी मेहनत पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे भी प्रेस करना। तो सबसे पहले मेकअप करने के लिए हमें अपना फेस वॉश करना होगा, उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना होता है। तो मैं तो अपने हर वीडियो में निविया का मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती हूँ। अब जो भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं आप वो लगा सकते हैं। मॉइस्चराइजर क्रीम लगाने के बाद मैं यहाँ पे प्राइमर की जगह एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ, क्योंकि एलोवेरा जेल भी प्राइमर के जैसा वर्क करता है। एलोवेरा लगा लेने से हमारा मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग चलता है, एज अ प्राइमर वर्क करता है। उसके बाद अगर डे का टाइम है तो आप सनस्क्रीन क्रीम भी लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे ये वीडियो इवनिंग टाइम में 4 या 5 को ऐसे शूट कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे सनस्क्रीन क्रीम नहीं लगाई हूँ। उसे स्किप करने के बाद मैं यहाँ पे लैक्मे का फाउंडेशन लगा रही हूँ और उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको अच्छे तरीके से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना रहता है, जिससे कि आपका जो फाउंडेशन है ना वो पैची पैची सा नहीं लगता है। फाउंडेशन लगा लेने के बाद अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आपके पास कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम हो तो आप उसे एज अ कंसीलर यूज कर सकते हैं। मेकअप करने के लिए कोई जरूरी नहीं रहता है कि हर चीज हमारे पास हो, हम घरेलू जुगाड़ भी कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे पॉन्स का बीबी क्रीम ली हूँ और उसे मैं यहाँ पे एज अ कंसीलर लगा रही हूँ। ये एज अ कंसीलर भी वर्क करता है। अपने अंडर आई एरिया पे जहाँ भी आपको दाग धब्बे लगे हमें वहां पे लगाना है और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से हमें ब्लेंड करना है। फिर उसके बाद हमें फाउंडेशन एंड कंसीलर को सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर लेंगे और उसे अच्छी तरीके से अपने फेस पे, अपने नेक पे, अपने एयर पे, हर जगह लगाएंगे, जिससे कि हमारा स्किन जो है इवन टोन लगे, अन इवन ना लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे आई शेडो लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आई के पास टेप लगा लिया है, जिससे कि मेरा आई शेडो फैले ना, ये बहुत ही सही तरीका रहता है। अगर आप विंग आईलाइनर लगाना नहीं जानते हो तो आप इस टेप को इस तरीके से लगा के भी विंग आईलाइनर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसे करके आई शेडो लगा रही हूँ और उसके बाद काजल के लिए मैं यहाँ पे अपने काजल लगा रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने यहाँ पे बहुत ही न्यूट सा मेकअप किया हुआ है। ज्यादा तामझाम वाला मेकअप नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, इसलिए मैं एकदम ही सिंपल सा, बेसिक सा यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। और फिर जो भी फॉल हुआ है मैं उसे कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे तरीके से रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने आईब्रो में फिल कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल से। मेरे यहाँ पे आईब्रो में बहुत ज्यादा ग्रोथ था, मैंने पार्लर में जाके नहीं बनाया था, बट फिर भी मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है अपने आईब्रो को अच्छे तरीके से फिल करने की। उसके बाद मैं कॉन्टूर के लिए, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिपस्टिक की हेल्प से कॉन्टूर की है, क्योंकि कॉन्टूर करने के लिए कोई जरूरी नहीं रहता है कि आपके पास कॉन्टूर हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, बस आपके पास कोई भी ब्राउन कलर से मिलता जुलता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कॉन्टूर कर लूंगी और फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं अपने आंखों के नीचे देख सकते हैं ब्राउन कलर का जो लिप लाइनर रहता है ना, उसकी हेल्प से लगा रही हूँ, क्योंकि यार दीपिका का मेकअप बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं काजल लगा के ज्यादा बोल्ड करना नहीं चाह रही थी, इसलिए मैंने लिप लाइनर लगाया, उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया, जिससे कि मेरी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे, आप देख सकते हैं खुद ही कैमरे में। उसके बाद मैं मस्कारा लगा लूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ। तो आपको बस ब्लश लगाने के लिए क्या करना रहता है, स्माइल करना है, लगाना है, हो गया काम, है ना। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर यहाँ पे मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही लगा रही हूँ, क्योंकि जो फ्लैट ब्रश रहता है ना वो मेरे पास अभी नहीं है। तो अपने ब्राउज बोन पे, नोज बोन पे, चिक बोन पे, क्यूपिड पे, हर जगह हमें ये हाइलाइटर लगाना है।
उसके बाद मैं यहाँ पे लिप लाइनर से अपने लिप को फिल कर रही हूँ, लिप लाइनर लगा रही हूँ। लिप लाइनर लगा लेने के बाद मैं एक न्यूट सा लिपस्टिक लगाऊंगी। तो अब मैं न्यूट सा लिपस्टिक लगा रही हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं ये है मेरा फाइनल लुक। आप बताना आपको कैसा लगा, मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हुआ या नहीं हुआ, आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया या नहीं आया। दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड मेकअप लुक।